भागवत की शरण में आने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। भगवान की शरण में आने वाला और भागवत की शरण को ग्रहण करने वाला हमेशा सुखी रहता है। कि धनवंता सुई जानिए जाके राम नाम मुख हो, जाके राम नाम मुख हो। असली में तो धनवान वही है जिसकी जिभ्या पर कृष्ण कृष्ण राम 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 का चिंतन है। असली धनवान वो है। किन गम कल्पतरुर गलितं पलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबतु भागवतम रसमालयम मोहरहो रसका वो विभाग का। निगम कल्पतरुर, निगम का एक जो वृक्ष है, निगम का जो वृक्ष है वह है पका हुआ फल श्रीमद् भागवत पुराण। इस फल का पान करने से, इस रसायन को पीने से आपका जीवन सुधरता है। अहलोक और परलोक, यहां भी सुधरेगा और वहां भी सुधरेगा। इसलिए ध्यान रहे कि हम जहां जो कर रहे हैं उसका फल यही भोगना पड़ेगा, बाकी रह जाएगा तो शेष पर अगले जन्म में जो भी योनि मिलेगी। हो सकता है कुकर बन जाएं, सुकर बन जाएं, सांप बन जाएं, गधे घोड़े हाथी कुत्ते बिल्ली बन जाएं, क्या क्या बन जाएं, गंदी नाली के कीड़े बन जाएं। अशुभ कर्मों का फल यही है। लेकिन ये भागवत पुराण कैसा है? निगम कल्पतरुर फलम, निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। यानी कि सुखदेव के मुख से निकली हुई ये जो वाणी है यह है भागवत पुराण। आपने देखा होगा ना, कई बाग में तोता घुस जाते हैं, तोतों के झुंड घुस जाते हैं। अब वो तोते के झुंड उस बाग में उसी वृक्ष पर बैठते हैं जिस वृक्ष में आम के फल पके हुए होते हैं। और जिस वृक्ष पर बैठ जाए तो तोता पारखी है, वो देखता है कि इसके अंदर अब फल कौन सा मीठा है, कौन सा कड़वा है, कौन सा कसैला है। या तो जिस फल में तोता चोंच मारता है वह फल मीठा हो जाता है। अब यहां यही कहा, सुख मुखाद अमृत संयुतम, सुखदेव से मुख से निकली हुई वाणी ये भागवत महापुराण है। इस पुराण के फल को जो खाएगा, भागवत के फल को जो भक्षण करेगा, उसके जीवन में आनंद होगा। पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसका भविभाविका, यानी किस रस को तो पीना चाहिए। रसमालयम मोहरहो माने बार बार, इस भागवत की कथा तो बार बार सुनते रहिए, जितनी बार सुनोगे उतना ही आपको अलग आनंद आएगा। एक बार के सुनने से हो सकता है आपका मन न पिघले, लेकिन बार बार सुनना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं क्या सुनना, अभी तो हमने सुनी थी, अब तो हम सुनकर के आए हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि आपने जब ये कहा अभी तो सुनकर के आए हैं, तो आपका मन पिघला नहीं, आपने पहचाना नहीं, आपने भागवत क्या होती है ये जाना ही नहीं। पूरे सूत जी महाराज कहते हैं मुंह रहो, बार बार इस भागवत की रस को जो पान करता है
उसका जीवन धन्य बनता है, उसका मन पवित्र बनता है, उसका मन निर्मल बनता है। इसलिए नित्य प्रति भगवान के इस रस का पान करते रहिए रोज। आपको जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है या नहीं है? है कि नहीं, बोलो। है ना, बिना भोजन के रह पाएगा कोई? नहीं। भोजन तो दिन में 3 बार भी चाहिए, 4 बार भी चाहिए, जो इच्छाएं हैं खाने की वो भी चाहिए। जब जीने के लिए आपको 3 बार भोजन चाहिए, 4 बार भोजन चाहिए, तो 1 बार भगवान के भक्ति का भी भोजन कर लीजिए। लेकिन इस कलयुग में है क्या? इस कलयुग में बड़ी आफत है, बार बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी होते हैं झंझट हजार। बार बार भोजन भजन एक बार, बार बार भोजन करने के बाद में भजन 1 बार करने भी बैठ जाएं तो उसमें भी 1000 झंझट आकर के खड़े हो जाते हैं। भजन तो छोड़ दिया, भोजन तो नहीं छोड़ा। अरे भोजन तो करने, कम से कम खाना तो खाने दो, और झंझट तो बाद में अपना लेंगे, कम से कम खाना तो खा लें। भगवान का भजन करने की जब बारी आए तो रोक देते। ये इंसान बड़ा खतरनाक है, ये इंसान बहुत खतरनाक है, ये ध्यान रहे। ये इंसान चाहे तो हैवान भी बन जाए, और ये इंसान चाहे तो भगवान भी बन जाए। इंसान को भगवान ने वो शक्ति सामर्थ्य प्रदान की है, लेकिन इंसान इंसान बन जाए तो ही बहुत है। आजकल इंसान इंसान रहा कहाँ, इंसान तो हैवान हो गया। सुधरने के लिए और सुधारने के लिए भगवान की सत्संग की आवश्यकता है। बार बार भजन करो, सुधर जाओगे। ये बिगड़ा हुआ मन, ये चंचल मन केवल भजन करने से ही सुधरेगा, और कोई इसकी दवाई नहीं है, इसकी कोई गोली नहीं है, इसका कोई इंजेक्शन नहीं है। बिगड़े हुए मन को एकाग्र बनाने की क्षमता अगर है तो भगवान के उस सत्संग में है। कोई गुरु मिल जाए ऐसा, कोई श्रेष्ठ विद्वान मिल जाए ऐसा, कोई संत ऐसा मिल जाए जो आपके मन को भगवान के चरणों में लगा दे। मन जब भगवान के चरणों में लग जाए तो फिर किसी की हिम्मत नहीं कि जो हट जाए। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।